What's up and welcome back to my channel. क्या आप भी अपने regular कपड़ों से तंग आ चुके हो, bore हो चुके हो? Well यार थोड़ा सा मैं भी हो चुकी हूँ, इसीलिए चीज़ों को आज interesting बनाने के लिए हम kids clothes try करने वाले हैं. वैसे किसी को याद हो तो मैंने ये video पहले भी बनाई हुई है जिसमें मैंने Zara के kids clothes try किए थे and we all loved that so much. लेकिन इस बार मैंने Myntra पे check किया यार, kids और teenagers के बहुत ही amazing कपड़े मिल रहे थे, तो मैंने काफ़ी different चीज़ें मंगवाई है पहले try करने के लिए कि वो हमें फिट होंगे भी या नहीं, एंड सेकेंड कि अगर वो फिट हो भी गए तो यार वो कैसे लगेंगे एंड क्या हम उसे एक्चुअल में अपने वार्डरोब में जगह दे सकते हैं. तो आओ जानते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. मेरे पास सबसे पहले ये कुर्ता एंड पैंट सेट, लाइक यस ये पूरा एक सेट ही आया है. एंड ये मैंने 14 टू 15 ईयर्स ऑफ एज वाला यू नो सेलेक्ट किया था साइज, तो या ये वही है. एंड वैसे देखो टीनेजर्स मेरे लिए किड्स ही है क्योंकि या मैं बहुत बड़ी हूँ उनसे. एंड ये मेरे को फिट छोड़ो बहुत लूज आ रहा है अभी. हाँ यार मैंने सोचा था कि उल्टा होगा मेरे साथ, बढ़िया मेरे को ही सरप्राइज मिल रहा है. मेरे को लगा था कि मुझे फिट नहीं होंगे कपड़े, बट काफ़ी स्पेस है यार इसमें. एक सेकंड इसका टॉप पार्ट भी ट्राई कर लेते हैं. कुर्ता टाइम भाई साहब. यार इन चीज़ों को तो मैं आराम से अपने वार्डरोब में रख सकती हूँ. मुझे नहीं पता था कि ये फिट हो जाएंगे ऐसे, बट यार खुले ही आ रहे हैं मेरे को तो. आई ओके इट्स टू ढीला यार, ओ माय गॉड. वैसे पता है तुम्हें इनका जो प्राइस है बिल्कुल भी बच्चों वाला नहीं है. इसका प्राइस अराउंड 1400 है, जो कि मुझे लगता है लाइक किड्स क्लोथिंग के हिसाब से थोड़ा सा तो ज़्यादा है, बट आई डोंट नो शायद आजकल यही प्राइस चल रहा है. इट्स टू महंगा यार. नेक्स्ट है मेरे पास पिंक कलर में शिमरी ड्रेस, और जो इसका ग्लिटर है वो बहुत ज़्यादा फॉल हो रहा है. ये मैंने 12 टू 13 ईयर्स ऑफ एज वाली ली है. इसके साइड में कोई जिपर नहीं है, तो तुम्हें इसे टॉप की तरह ही पहनना पड़ेगा. वाव ये काफ़ी फिटिंग की लग रही है यार, एक सेकेंड. बट हाँ स्ट्रेचेबल भी है, तो यार नाइस मटेरियल दैट वे. ओके यार आराम से फिट हो गई, ऐसा लग रहा है कि मेरी ही ड्रेस है, किसी भी टीनेजर वगैरह की ड्रेस नहीं है ये तो यार. अरे जोक्स अपार्ट इसका फिट देखो यार, इतना अमेजिंग फिट. तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को खुद अपने साइजेस में ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो मैं ये हैक करने वाली हूँ. येस अब से मैं किड्स और टीनेजर्स के कपड़े खरीदने वाली हूँ, जो कि मैं वैसे भी बीच बीच में करती रहती हूँ. इनफैक्ट मेरे खुद के भी पुराने कपड़े रखे हुए हैं ऐसे लाइक 7th 8th 9th के, जो कि मैं पहन लेती हूँ यार, तो इट्स लाइक अ नाइस इन्वेस्टमेंट. एंड वैसे भी पता है ये ड्रेस सिर्फ 600 रुपये की है, तो लाइक कितना अमेजिंग नहीं है, लाइक अफोर्डेबिलिटी फैक्टर भी है प्लस साइज भी फिट आ रहा है, तो या इट्स अ परफेक्ट विन विन. फाइनली वो दिन आ ही गया जब मैं एक टीनेजर का लहंगा सेट पहनने वाली हूँ. ये 15 टू 16 ईयर्स एज का है एंड आई थिंक मेरे को आ जाना चाहिए. लेट्स सी. ओके वी हैव द लहंगा स्कर्ट, लुक एट द कलर एंड प्रिंट्स यार, कितना ज्यादा प्रिटी लग रहा है. मस्त बात इस लहंगा स्कर्ट की ये है कि इसमें इलास्टिक दे रखा है, बट कोई भी ड्रॉ स्ट्रिंग वगैरह नहीं है कि मेरे को टाइट वगैरह कुछ करना हो. ये वैसे लूज है, बट लूज होके मुझे ये यहीं तक आ रहा है, तो ये लो वेस्ट लहंगा लग रहा है, तो आई एम काइंड ऑफ ओके विद दैट. एंड हाँ यार ये काफी अच्छा है, प्लस यार मेरे को इसकी लेंथ भी ठीक आ रही है. इट्स लाइक शर्ट ब्लाउज भाई साहब, ये तो मेरे को आराम से फिट हो गया. बटन बटन खत्म हो जा बटन. आई एम रेडी टू अटेंड अ वेडिंग भाई साहब, ये कितने आराम से मेरे को फिट हो गया. मैं तो ये कहूँगी कि स्लाइटली बड़ा ही है ये मेरे को फिट से ज़्यादा, तो बट आई एम स्टिल ओके विद दैट. बहुत ही लाइक डिज़ाइनर वाइब दे रहा है मेरे को. मेरे को ये पूरा बहुत ही कंफर्टेबल लगा. इसका फैब्रिक भी काफ़ी सॉफ्ट है, एंड पता है ये पूरा लहंगा अराउंड 1500 या 1600 का है, बट लाइक तुम पूरी एक वेडिंग अटेंड कर सकते हो, तो उसके हिसाब से तो काफ़ी सही है. प्लस जो इसका ब्लाउज या शर्ट है ये टॉप लग रहा है, तो तुम इसे बाद में जीन्स या स्कर्ट के साथ भी यू नो स्टाइल अप कर सकते हो. और ये लहंगा स्कर्ट इतनी ज़्यादा वर्सेटाइल है, तुम कितनी और टॉप्स वगैरह इसके साथ स्टाइल कर सकते हो, कितनी डिफरेंट वेडिंग्स भी अटेंड कर सकते हो, तो तुम बहुत ज़्यादा लुक निकाल सकते हो. आई रियली लव दिस वन. और मस्त वाले किड्स क्लोथिंग ट्राई करने से पहले, टुडेज वीडियो इज पॉसिबल बाय लैक्मे एंड दे हैव सेंट मी दिस ब्यूटिफुल पिया किट विच हैज 4 सीरम्स दैट केटर टू द skin concerns and types. And today we're gonna talk about Lakme 9 to 5 Vitamin C Plus Face Serum. देखो इतने busy stress भरे lifestyle में basic skin care से ज़्यादा कुछ नहीं होता. इसलिए skin को energize करने के लिए you can start adding serums in your skincare routine. Simply take a few drops in your palm and apply to clean face and neck.
pat it all over your face and neck, avoiding contact with eyes, and gently massage in circular motions until absorbed. Its texture is super lightweight and non-greasy and does not feel like an added layer on the skin. It's made with 98% pure vitamin C complex for healthy glowing skin. It helps reduce dullness and improves overall skin texture. Ingredients like kakadu plum extracts have 100 times more vitamin C than oranges and can be a part of your everyday skincare regime for years, and it's suitable for all skin types. Lakme has something for everyone. You can check out their Lakme Absolute Perfect Radiance Serum for crystal clear radiant skin, or their Lakme Youth Infinity Serum for youthful firmer skin, and Hydra Pro Serum for intense hydration. You can also get your hands on these products using my coupon code to get additional 10% discount. All the links are in description box down below. हमारे पास है leggings भी. Yes, ये मैंने 13 years of age की मंगवाई है. Plus तुम ना believe नहीं करोगे यार, इसका price है सिर्फ 374 रुपीज. भाई साहब, मेरी खुद की लाइक बड़ों की लेगिंग्स गर्ल्स की बहुत ज़्यादा महंगी आती है. अगर तुम नॉर्मल किसी ब्रांड पे भी चले जाओ, 374 यार, इसका फिट भी बहुत ही ज़्यादा सही आया है. हाँ, थोड़ी सी मेरे को छोटी है, बट आई रियली डोंट माइंड इतना सा. लाइक अगर मेरे को ऊपर आ रही है लेगिंग तो इट्स परफेक्टली फाइन. मैं आराम से इसको जिम में पहन सकती हूँ. इसका स्ट्रेचेबल मटीरियल तो है यार काफ़ी, या फिर लाइक नॉर्मल घर में भी पहन के लाइक घूम लो. इट्स क्वाइट कंफर्टेबल दैट वे. प्लस आई एम सेविंग सो मच मनी इन दिस. प्लस मेरे को कलर भी काफ़ी अच्छा लगा, नाइस पिंक कलर यार. वाओ, मैं यही करने वाली हूँ यार. आई एम गोना सेव अ लॉट ऑफ मनी नाउ. मैं बच्चों के कपड़े ही खरीदने वाली हूँ, स्पोर्ट्स में भी. हमारे पास है बहुत ही प्यारी बिल्ली वाली ड्रेस. एक सेकेंड, धूप में मेरे को ये दिख रहा है. एक सेकेंड, व्हाट? जहाँ पे इन्होंने डिज़ाइन बनाया हुआ था ना, इनिशियली इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी नहीं की गई है और वो निशान वहीं दिख रहा है. बट कोई बात नहीं, एक बार इसे ट्राई तो कर लेते हैं. ये मैंने 11 टू 12 इयर्स ओल्ड का साइज मंगवाया है, द स्मॉलेस्ट वन जो कि इसमें अवेलेबल था, एंड ये आ गया. यार सरप्राइज पर सरप्राइज, ये एक पिनाफोर ड्रेस है. यस, इसको टाइट कर सकते हैं. वेट, वाह, ये पूरे कॉटन फैब्रिक में है तो समर्स के लिए तो बहुत ही परफेक्ट होने वाला है. यार इसका साइज लाइक आई एम ओके विद दिस लेंथ, तो मुझे तो काफ़ी सही लगी. एंड हाँ, इसे ढीला करके लंबा भी कर सकते हैं. सी, ये नीचे आ गई थोड़ी सी. सो यार इट्स क्वाइट नाइस, आई रियली लाइक इट. ये थोड़ा सा मेरे को वैसे एप्रन वाला फील दे रहा है. आई हैव अ सेम एप्रन इन ब्राउन कलर, तो मे बी इसलिए मुझे लग रहा होगा. बट यार ये वैसे काफ़ी क्यूट है. ये 600 रुपीज की है. एंड वैसे अगर तुम्हें लाइक स्कर्ट की लेंथ कुछ ज़्यादा ही छोटी लग रही है तो तुम उसके ऊपर जीन्स वगैरह भी पहन सकते हो, एंड ये लाइक टॉप बन जाएगा, तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है यार. हम एक परफेक्ट जीन्स ढूंढते रहते हैं, बहुत साल लग जाते हैं यार अपना एक परफेक्ट फिट ढूंढना. तो मैंने सोचा कि एक किड्स सेलेक्शन सेक्शन में से भी मंगवा के देखते हैं. तो ये मैंने 16 टू 17 वाली मंगवाई थी, क्योंकि मेरे को लाइक ऑब्वियसली लग रहा था कि मैं बिल्कुल छोटी मंगवाऊंगी तो वो तो मुझे आने ही नहीं वाली है. तो मैंने 16 टू 17 में मंगवाई थी, और ये मेरे को काफ़ी लूज है. मेरे को स्टाइल वाइज तो काफ़ी सही लगी है. इट्स लाइक मॉम जीन्स, तो इट्स लाइक नॉट टू टाइट नॉट टू लूज, तो या स्टाइल वाइज अच्छा है. बट साइज मेरे को बिल्कुल भी नहीं आया है. मेरे को लग रहा है कि मैं बेल्ट भी लगाऊंगी तो ऐसे ये यू नो शेप आती है अजीब सी, तो वो होगा. तो या इट डिडंट वर्क. वैसे ये 680 रुपीज की है, तो प्राइस वाइज तो मुझे काफ़ी सही लगी थी, क्योंकि यार जीन्स एक बार लो वो सालों साल चलती है. तो या इट्स अ नाइस इन्वेस्टमेंट, बट ये आई नहीं यार हमें. हमारे पास एक और ड्रेस है, मोर ऑफ लाइक पार्टी ड्रेस, क्योंकि ये भी शिमरी है, लेकिन मेरे को ये पहनते हुए बहुत चुभ रही है अंदर से. अंदर वाला फैब्रिक इसका बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है. दैट्स अ बमर. ऑल्सो ये जो सबसे छोटा साइज था यार, ये बहुत ज़्यादा मेरे को चुभ रही है. जो सबसे छोटा साइज था 12 टू 13 ईयर्स, मैंने उसी को ही मंगवाया है. वैसे फिट तो ये काफ़ी आराम से हो गई है, लेकिन इसका फैब्रिक अगेन बहुत ही इची है. फिट आ भी गया तो मैं क्या करूँ, क्योंकि वैसे पहन के कहीं नहीं जा सकती क्योंकि मैं बहुत अनकम्फर्टेबल रहूँगी. बट यार वैसे ऐसा लग रहा है कि इट्स फॉर अ ग्रोन अप, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सही फिट आ रहा है. लाइक इसका स्लीव, इसकी वेस्ट, बस्ट, लाइक एवरीथिंग. लाइक हाउ इज इट हैपनिंग? क्योंकि यार मेरे को याद है जब मैं 12-13 की थी, लाइक मैंने अभी रिसेंटली ही अपना वेट गेन वगैरह करना स्टार्ट किया. पहले तो मैं बहुत ही ज़्यादा पतली थी, लाइक अंडर वेट. तो अगर मैं तब ये ड्रेस खरीदती तो मेरे को ये शायद आती ही नहीं. तो लाइक आई डोंट नो लाइक व्हाट्स हैपनिंग देयर. बट या दिखने में तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है. बट ये अराउंड 900 रुपीज की है. बट कंसिडरिंग तुम एक पार्टी ड्रेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, एंड अगेन चुप तो बहुत ज़्यादा रही है. मैं भूल जाती हूँ क्योंकि ये सुंदर लग रही है, बट
चुप रहिए यार. हमारे पास है मल्टी कलर्ड कुर्ता और प्लाजो सेट. वैसे वहां पे उन्होंने प्लाजो लिखा हुआ है बट देखने में मुझे ये थोड़ा सा धोती स्टाइल लग रहा है, बट एक बार पहन के देखते हैं. ये मैंने 13-14 ऐसे कुछ लाइक एज का मैंने मंगवाया. एग्जैक्ट आई हैव टू चेक अगेन, बट या इट्स वेरी वेरी लूज. व्हाट इज हैपनिंग? ओके इट्स ओके, काम डाउन सोनिया. इसका कुर्ता बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है. वैसे मेरे को फोटो में ये ज़्यादा लाइक ऐसा लग रहा था, पता नहीं क्या ही चीज़ है. दिखने में लाइक ओरिजिनली बहुत ही ऐसे लाइक हल्की सी चीज़ लग रही है. इसके कलर्स भी इतने वाइब्रेंट नहीं लग रहे, बस इन्होंने एक्स्ट्रा ये सिप्पी दे दी है ताकि अगर ये निकल जाए तो तुम बाद में लगा सको. यार ठंड के टाइम पे जो ये धूप आ रही है ना, लाइक इतनी मीठी मीठी नींद आ रही है मेरे को इस टाइम. भाई साहब मैं सो सकती हूँ, और प्लस ये ज़्यादा खुला है ना, परफेक्ट नाइट सूट वाली वाइब आ रही है मेरे को. मैं लेट सकती हूँ यहाँ पे. ये क्या है? इट्स टू ढीला, प्लस लाइक स्टाइल वाइज भी ऐसा लग रहा है प्रिंट्स कुछ ज़्यादा ही मिक्स हो गए, कलर्स भी बिल्कुल एक दूसरे में क्लैश कर रहे हैं. इट्स going nowhere. प्लस ये बहुत महंगा है, लाइक अकॉर्डिंग टू दिस जो ये आया ये 1500 रुपये का है. नो, बिल्कुल भी नहीं यार. लाइक बहुत ही लाइक हल्का फैब्रिक है इसका, लाइक इट्स टू लाइक डल. कलर्स दिखने में तुम्हें लग रहा होगा बट लाइक ओरिजिनली लाइव मैं देख पा रही हूँ ऐसा लग रहा है ये जल्दी फेड हो जाएगा. तो नॉट गुड. हमारे पास है एरियल प्रिंसेस की टाई एंड डाई ड्रेस. भाई साहब फर्स्ट ऑफ ऑल टाई एंड डाई ऑल ईयर लॉन्ग, ऑल सीजन्स लॉन्ग, लाइक बहुत ही क्लासिक प्रिंट है. लाइक तुम कभी भी पहन सकते हो, ये कभी आउट ऑफ स्टाइल नहीं जाने वाला. तो फर्स्ट इसमें इन्वेस्ट करना ऑब्वियसली सही रहता है. सेकेंड ये एरियल प्रिंसेस की है, लाइक डिज्नी प्रिंसेस की ड्रेस पहन के लाइक आई कैन जस्ट गो अराउंड रोम, कहीं भी घूम सकते हैं. तो लाइक प्यारे कैजुअल ड्रेस लग रही है. ऑल्सो ये मैंने 11-12 years में मंगवाई थी एंड ये फिट आ रही है आराम से, परफेक्ट है यार ये. यहाँ पे कट भी है जहाँ पे अभी मेरा इनर दिख रहा है, तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस साइड से. अदरवाइज इज जस्ट अ लाइक टी शर्ट ड्रेस. तो यह काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है कॉटन फैब्रिक में एंड ये अराउंड 584 लाइक अराउंड 600 rupees की है. तो काफ़ी सही है यार, इसको मैं काफ़ी वेज में स्टाइल भी कर सकती हूँ. लाइक मैं ब्लेजर के साथ भी पहन सकती हूँ या फिर इसके नीचे स्कर्ट या फिर जीन्स पैंट वगैरह भी कर ली तो काफ़ी लुक निकल सकते हैं. एंड आई रियली लाइक दिस ब्लू कलर, वो भी टाई डाई में, इट्स नाइस. नेक्स्ट है मेरे पास स्वेटर, फाइनली एक विंटर पीस. मैंने ज़्यादा मंगाए नहीं थे क्योंकि ठंड अभी जाने ही वाली है. ये 12-13 years में मैंने मंगवाया था. मन नहीं है देख स्वेटर मेरा न्यू वाला, कितना प्यारा कोजी लग रहा है यार. ये अभी तो कोजी लग रहा है लेकिन मेरे को लग रहा है इसकी धुल के ना हालत खराब हो जाएगी. इतना सॉफ्ट भी नहीं है अंदर से. फिट तो सही है इसका, वैसे ये थोड़ा ओवर साइज टाइप ही लग रहा है बट या आई रियली लाइक द कलर. और ये इसके साथ भी जा रहा है, सी मेरी एक नई ड्रेस एक नई यूनिफॉर्म बन गई है. बट अगेन ये ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है ना, ऐसा लग रहा है इसका लाइक आई डोंट नो हाउ टू से बूरा रुआ कुछ कुछ आ जाता है ना, ऐसे वाइट वाइट वो आ जाएगा. तो या क्वालिटी ठीक है, ये 600 रुपये का है वैसे बट. तो मेरे प्यारे बच्चों कौन सा आउटफिट तुम्हें सबसे ज़्यादा वाला पसंद है? मेरे को काफ़ी पसंद आया बट मोस्टली तो यार मेरे को बहुत ही लूज ही है. तो तुम मुझे बता कि तुम्हारा फेवरेट कौन सा था आज की वीडियो में से इन द कमेंट्स डाउन बिलो. एंड वैसे ये वाला स्वेटर पहन के यार अब तो काफ़ी गर्माहट सी आ गई है, ठंड कब जाएगी? या तो आ जाए अच्छे से या चली जाए, आई डोंट नो. एनीवेज लाइक एंड सब्सक्राइब बिफोर लीविंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वन. बाय.